चैनल में एक बार फिर से SM मेडिकल नॉलेज में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक टैबलेट सिफाकाइन 250 के बारे में। आज हम आपको सिफाकाइन 250 की कंप्लीट नॉलेज देंगे, जैसे कि आज हम बताएंगे सिफाकाइन 250 कब यूज़ की जाती है या किस डिजीज़ में इसको यूज़ करना चाहिए या किस प्रॉब्लम में इसको यूज़ करना चाहिए, और यह टैबलेट कितनी डोज में ली जाती है या क्या क्या इसका यूज़ है, कहाँ पर यूज़ की जाती है, क्या बच्चे इसको ले सकते हैं, तो कंप्लीट नॉलेज देंगे। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वीडियो के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें सिफाकाइन 250 में सिफुरोक्सिम 250 साल्ट होता है। और बात करें इसकी कंपनी के बारे में तो इसको मैन्युफैक्चर करती है मैनकाइंड कंपनी, इसको मैन्युफैक्चर करती है। और बात करें यह टैबलेट कितने रुपए की MRP में या कितने रुपीज़ में मिल जाएगी, तो 15-20 रुपीज़ पर टैबलेट की MRP में यह आपको किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके यूजेज़ के बारे में। यूजेज़ के बारे में बात करें तो यह जो सिफाकाइन 250 टैबलेट है, सिफाकाइन 250, इसका मेनली जो उपयोग है या उपयोग किया जाता है, यह बॉडी में पहुंचकर हमारी बॉडी को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे बचाती है, या बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में पहुंचकर बैक्टीरिया को किल करती है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके बचाने के उपयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और साइनस जैसे डिजीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। टॉन्सिल्स हो जाते हैं एक डिजीज़ है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, इसका उपयोग हम गले के किसी भी इन्फेक्शन वगैरह में उपयोग कर सकते हैं, और हड्डियों के इन्फेक्शन में उपयोग कर सकते हैं, या कुछ कान वगैरह का इन्फेक्शन है उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। करें दोस्तों अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलते हैं, जैसे उल्टी, मितली या अपचन जैसी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, या यह टैबलेट थोड़ा बहुत पेट में दर्द कर सकती है। अगर ऐसा है तो दोस्तों अपने यह टैबलेट लेने की बजाय यह टैबलेट रोक कर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों इसकी कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी को यह नहीं लेनी चाहिए, और बच्चों को भी यह बहुत सोच समझ कर दी जाती है। अपने डॉक्टर के किसी दोस्तों किसी भी मेडिसिन का उपयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही